जो आपका ऑर्डर था BT2200 HP W 180 बार 4 HP 12 LPM वाला, ये वो मॉडल। इसको अपने को पहले पाइप वगैरह इसमें फिटिंग कर देना है, सेक्शन पाइप में पूरा लगा देना है कि डिलीवरी पाइप ब्लैक कलर का पाइप लगाना है। वो पानी जैसे ही आपको लेना है इसमें ले सकते हो आप, अंडरग्राउंड टैंकी से ओवर टैंक से जैसे भी आपको कनेक्शन हो वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद पंप के बाद आपका ये ऐसे पूरा साथ में आएगा। पहले गन लगाना नहीं है अपने को, ये गन जो है गन लगाना नहीं है, और पंप को स्टार्ट कर, पंप को स्टार्ट करके वो हेड जो है वो हेड निकाल देनी है, जो एयर है निकाल देनी है अंदर से। एयर निकाले बाद उसके बाद अपने को पंप गन लगाना है, वहाँ तक मत नहीं लगाना है। जैसे से पानी कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको गन लगानी है। इसको गन लगाने का एक तो तरीका आप देख लीजिए, पहले पुल करना है फिर इसको अंदर पुश कर देना है, फिर छोड़ देना है। जब तक वो बैठेगा नहीं तो बड़ो ये कम्प्लीट फिट हो गया। और गन लगाए बाद जो आपको गन नोजल आगे लगाना नहीं है, पहले ऐसे ही स्टार्ट कर देना है, थोड़ा पानी एयर निकल जाए इसमें, जैसे पानी निकलता हो जाए उसके बाद आपको नोजल लगाना है आगे। नोजल लगाने का तरीका आप देख लीजिए, इसको पुल करा बस, पुश और पुल स्टार्ट। एयर नहीं निकल रहा तो ऐसा प्रेशर रहेगा, फिर एयर कंप्लीट निकल जाएगा उसका प्रेशर मस्त बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया प्रेशर रिकॉर्ड हो गया, कंप्लीट यहाँ प्रेशर दिखाएगा आपको मीटर में। ये बंद छोड़ दिया ट्रिगर, इसलिए जीरो हो गया। ये ऑटोमेटिक कटआउट जो बंद हो गया, मोटर भी बंद हो गया, गन छुड़ा हो, जैसे आप बंद दबाएंगे वैसे चालू हो जाएगा।